माननीय सभापति महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर अभिभाषण 19 जनवरी 2024 को कराया गया, मैं केवल उसके ऊपर अपनी बात केंद्रित रखूंगा और मैं सत्ता पक्ष से भी अपेक्षा करता हूँ और मेरे दल से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि कोई ऐसी बात आए जिस पे टोकना जरूरी हो उसी पे टोका जाए, चाहे हम लोग हों चाहे ये लोग हों, वरना इस राजस्थान की विधानसभा की चर्चा का कोई महत्व नहीं रहेगा। हसुदालू तो बहुत आराम से काम हो जाएगा। नहीं, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि आप इसको राजस्थान की विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को निभाना चाहते हैं या सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं। आप बोलिए माननीय सदस्य। मैं महामहिम से जिस प्रकार से 83 पैरों का जो अभिभाषण पढ़वाया गया, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में सभापति महोदय पहली दफा 83 के 83 पॉइंट राजस्थान की नव निर्वाचित सरकार के विजन के नहीं होकर के और केवल पिछली सरकार के ऊपर छींटा कसी, उनकी योजनाओं को भ्रष्टाचारी बताना, उनकी प्रत्येक योजना के बारे में महामहिम राज्यपाल के सिरमुख से इस प्रकार से कहलवाना, मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा गलत परंपरा इस राजस्थान की आज तक न हुई है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी नहीं हो। आप देखिए सर, बेहद निराशा और बिल्कुल ऐसे पढ़वाया गया महामहिम से कि उनकी जो गरिमा है उसको भी राजस्थान की सरकार की जो कैबिनेट ने जो अप्रूव करके दिया उसमें उनकी गरिमा को तार तार करने का काम किया है। ये भविष्य में नहीं करे तो अच्छा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके सामने 17 जनवरी 2019 जो पहली बार हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी तब का महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है सर, और उसमें एक भी पैरे में कहीं भी पिछली 5 साल की सरकार की किसी भी योजना के बारे में या इस तरीके के अनर्गल बातों का कोई स्थान नहीं रहा। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान की सरकार का पहला जो अभिभाषण जो कैबिनेट ने पास कराया उसका मकसद ये होता है कि हमारी सरकार का ये विजन है, अब हम ये करेंगे, ये ठीक नहीं था, इसको ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन जो अभिभाषण आया है सर, पढ़कर के दुनिया हंस रही है सर हम के ऊपर कि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ने दिनांक इतने को कहा, राज्यपाल ने दिनांक इतने को कहा, वो गलत है। या थोड़ी बहुत तो गरिमा बचा के आपको रखना चाहिए था। मैं मानता हूं कि आपका विजन नहीं हो सकता, ये दिल्ली से बैठे हुए लोगों ने आपको भेजा, आपके कैबिनेट ने उसको देखा नहीं, अपने मुख्यमंत्री ने उसको देखा नहीं और आनंद फानंद में ला करके और जितनी गालियां आप दे सकते थे वो गालियां आपने देने का काम किया। आप देखिए सर, पैरा संख्या 5 परस्पर अंतर्विरोध की बात कर रहे हैं, खींचातानी की बात कर रहे हैं। पैरा 12 में नीतिगत निर्णय और जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम सब की समीक्षा करेंगे। 13 में अविवेकपूर्ण नीतियां, अदूरदर्शी निर्णय, आर्थिक कुबंधन की बात कर रहे हैं। फिर आप 14 में आप कह रहे हैं कि 5,79,781 करोड़ का ऋण भार है, उसकी बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 15 नंबर में कि प्रदेश की चौपट अर्थव्यवस्था हो गई। आप 450 सिलेंडर की 23 नंबर में बात कर रहे हैं। आप 27 नंबर में किसानों के कर्जे माफ की बात कर रहे हैं और 19,000 से ज़्यादा किसानों की जमीन की कुर्क की बात कर रहे हैं। आप 13 जिलों की ERCP की 29 और 30 नंबर के पैरे में बात कर रहे हैं। आप 31 नंबर के पैरे में पेपर लीक की बात कर रहे हैं। आप 32 नंबर में SIT और के गठन और आगे से परीक्षाओं के लिए CS और DGP को जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपने एक से एक पैरे में कहीं भी एक कमी नहीं छोटी गाड़ी निकालने में कि इस राजस्थान की सरकार में 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ गड़बड़ हुआ, ये कहलवाने का काम किया। अपराध मुक्त राजस्थान और डबल इंजन सरकार की आप बात कर रहे हैं। 5 वर्षों में प्रदेश का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, CBI के अनुसंधान की भी बात कर रहे हैं। महिला उत्पीड़न की आप 39 नंबर में बात कर रहे हैं। आप बिना कार्य योजना बिना बजट की बात करके 50 नंबर में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी जी के नाम थी उसकी बंद की बात कर रहे हैं आप, और 52 नंबर में आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन पशु बीमा योजना की बात कर रहे हैं।
आप नंदीशाला की बात कर रहे हैं, आप गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं, आप राइट टू हेल्थ को भी चैलेंज कर रहे हैं कि ये भी ठीक नहीं था। आप आयुष्मान योजना को चिरंजीव योजना का नाम देने के नाम पर भी आपको एतराज है 58 नंबर पैरे में। मैं कहना चाहता हूँ, सुनने का मादा रखिए, आराम से सुनिए, अगर एक बात भी गलत बोलूँ तो आप उसका माननीय सभापति महोदय आप टोक दीजिए या संसदीय कार्य मंत्री ऑब्जेक्शन करेंगे तो मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन बात सुनिए। ये राजस्थान की विधानसभा में करोड़ों लोगों ने अपना जनादेश दे करके हमको यहाँ राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दों की बात करने के लिए भेजा है, न कि यहाँ पर इस तरीके से छींटा कसी करके। आपके माननीय दो सदस्यों ने, माननीय अनिता बदेल जी ने बात रखी अपनी, अभिभाषण का इन्होंने प्रस्ताव रखा, इन्होंने अनुमोदन किया। आप बताइए क्या तैयारी थी, क्या तैयारी थी, क्या मुद्दे थे? कोई मुद्दे नहीं थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल परसों प्रभु श्री राम के उदाहरण देकर के कहा कि एक गिलहरी का भी योगदान होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब गिलहरी के योगदान को भी आप महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और आप 5 साल में जितनी योजनाएं चली, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीव चली, ओपीएस हुआ, चाहे ये जो महंगाई रोजगार गारंटी योजना, ये महंगाई के लिए जो कैंप लगे महंगाई कम करने के लिए, और कितनी योजनाएं दुनिया भर की योजनाएं हुई, उसका आपको कोई मतलब नहीं, कोई इलम नहीं। आप एक आदि के लिए ठीक कहते, एक आदि का ठीक करते, एक आदि को ठीक करने के काम कहते। अर्थव्यवस्था चौपट बता दी आपने, मैं सुनने के मादा रखिए कि 5 साल में आर्थिक आपातकाल बता दिया। हमारी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो मैं पूछना चाहता हूँ, 31 मार्च 2000 को यूपीए की सरकार थी तो भारत सरकार का कर्ज 55,87,000 करोड़ रुपये था, लेकिन आज हमारी वित्त मंत्री 31 मार्च 2023 को कहती हैं कि 152,61,000 करोड़ रुपये, यानी 3 गुना कर्ज भारत सरकार पे बढ़ गया है। ये कर्ज लेते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे भारत सरकार हो, लेकिन हम उनके नियमों का, रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करते हैं। अगर वो पालन नहीं होता तो हम कर्ज नहीं ले सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे 2023-24 के बजट अनुमानों में राजकीय घाटा फिस्कल डिस्पिशियट राशि रुपये 62,772 करोड़ रुपये अनुमानित थी, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP का 3.98% था। ये अनुमत सीमा से कम है। आपकी सरकार ने इसमें लगवाया कि साहब जो विद्युत के लिए कंपनियों के लिए हमने ये किया था वो किया था, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। FRBM एक्ट में 2025-26 में GSDP के 38.2% डेप्ट और लाइबिलिटी के प्रावधान को हमने 2020-21 में प्राप्त कर लिया और 37.99 रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रबंधन अच्छा था। मैं तीसरी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी के बदौलत, अच्छे आर्थिक प्रबंधन के बदौलत ही हमारी जो आर्थिक विकास दर है देश में दूसरे स्थान पर 11.04% है। इस बात को भूल नहीं सकते आप, हर चीज गलत नहीं बता सकते। हो सकता है आपके एंगल से कोई चीज ठीक नहीं है तो आप ठीक बात कीजिए, उसको ठीक करने का काम कीजिए। आपको मौका दिया ईश्वर ने, जनता ने मौका दिया है, आप ठीक कीजिए। लेकिन अगर हम कोई मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर तो ये तो आप अच्छा तू अच्छा मैं अच्छा तू अच्छा हू हा करके हम हमारा समय बर्बाद कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी पूर्व सरकार का डिस्कल डेफिसिएट 2012-13 में 1.73% जा, वो भारत सरकार के समय 2015-16 में 9.25% था। हमने कोरोना की विभीषिका को रहते हुए वर्ष 2021-22 इसे 3.96% रखा। ये हमारी उपलब्धि है, राजस्थान की उपलब्धि है, केवल कांग्रेस की उपलब्धि नहीं है, प्रदेश की उपलब्धि है। और किसी भी सरकार को अच्छे चलाने में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रोल रहता है, कोई एक का रोल नहीं रहता है। अब आप कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी आ गई, अच्छा है भाई, मोदी जी डबल इंजन की सरकार आ गई। कहाँ है डबल इंजन? एक इंजन तो बंद पड़ा आपका, राजस्थान का इंजन तो 100 दिन की कार्य योजना आप बना रहे थे, आप 50 दिन लग गए साहब, कार्य योजना ही नहीं बनी। तो जो कार्य योजना बनेगी वो कब लागू होगी, ये मैं आपके माध्यम से
सत्ता पक्ष को पूछना चाहता हूं, आप डीजल पेट्रोल की हमको रोजाना कहते थे, गालियां देते थे, हल्ला करते थे, धरने करते थे कि साहब डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दीजिए, क्या आपने दाम कम कर दिए क्या? आपने पिछले कार्यकाल में बीजेपी का जब कार्यकाल था 50,000 के ऋण माफ करने की घोषणा की थी, और आज क्या स्थिति है? हमने आपका पैसा चुकाया, 2,000 करोड़ रुपए की चुका करके आप चलता बन गए, और हमने 6,000 करोड़ वो चुकाया, और फिर 16,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ किया, और आप कह रहे थे कि संपूर्ण कर्जा माफ करो, आपकी डिमांड थी सभापति महोदय, आपकी डिमांड थी, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, और आपके कृषि मंत्री ने एक मिनट ब्राजे हमारा स्टेटमेंट क्लियर था, हमारा स्टेटमेंट तो क्लियर था कि हम 50,000 तक के कर्जे माफ करेंगे, हमने संपूर्ण कर्जे की कभी बात नहीं की, संपूर्ण कर्जे की आपने बात की है, अब आंकड़ा धरो राजस्थान विधानसभा में कि कितने माफ किए आपने। ठीक है सर, मैं मान गया, मैं मान गया सर, सभापति महोदय मैं मान गया, माननीय सदस्य, सभापति महोदय माननीय सदस्य, मैं मान गया, माननीय सदस्य ब्राजे मैं मान गया, इन्होंने कभी भी कर्जे माफ की बात नहीं की, मैं मान गया सर, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आप कर्जे माफ की बात नहीं कर रहे हैं, आपने कभी भी नहीं की और आगे भी आपको नहीं करनी है, लेकिन आपके कृषि मंत्री, हमने जितना कर्जा माफ का कहा उतना कर दिया, कोई बात नहीं, मैं इस बिंदु को छोड़ देता हूँ, आपके तकलीफ हो रही है तो मैं इस बिंदु को छोड़ देता हूँ, मेरे भाई, आपके संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, वो मेरे लिए जवाब पर्याप्त है कि इन्होंने कभी माफ की नहीं की, ये कृषि मंत्री भी कह चुके, अब यार हर आदमी खड़ा होगा, सुन लिया, वही गोविंद डोटासरा है, आप अगर मैं गलत बोलूं तो आप टोक दो, लेकिन अगर आप बोलो ही नहीं, 4-5 खड़े हो जाओ, ये उतावलापन ठीक नहीं है, ये इधर भी 70 है मेरे भाई, स्थान पर बैठे बैठे ना बोले। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आपके कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को लोन लेना ही नहीं चाहिए, उसकी जो नहीं चुकाने की आदत है वो गलत है, अरे भाई कृषि मंत्री है, किसान के ऊपर आप टिक्का टिप्पणी कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत भी आपके कृषि मंत्री ने नहीं सोचा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, खैर कोई बात नहीं, अब आप कह रहे हो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, भाई 33 जिलों में तो खुल गए, हमने 50 जिले बना दिए, आप इन बाकी के 33 में से 17 जिलों में 19 जिलों में अगर मेडिकल कॉलेज खोलोगे तो हम जानेंगे 33 में आपका क्या रोल है, आपने कर दिया, केंद्र सरकार का हिस्सा था, आ गया, बैठ जा भैया बैठ जा, आपके मंत्री बनने का रास्ता साफ किया हमने, आप तो मत बोलो कम से कम, फिर देखिए सर गोविंद जी, ये तो मत कहना हो आप, ये मंत्री को मत को, फिर हमारे सदस्य कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष का नेता तो आपको बनना था और जुली साहब को बना दिया, तो हम क्या कर सकते, हमारी क्या गलती है इसमें, अगली बार बन जाएंगे आप मंत्री महोदय, ये मेरे हमारे नेता प्रतिपक्ष मेरे से ज्यादा आपको घेर के रखेंगे, लाइन पे रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, अगली बार बन जाएंगे आप, शांति से बुलाइए। अब देखिए सर, आपने नंदीशालाओं की बात की, अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप 3 से 6 महीने नंदीशालाओं में अनुदान देते थे, हमने 9 महीने का किया और फिर बाद में 12 महीने का कर दिया, आपके पास में वोट लेने के अलावा गोमाता का नाम, यार क्या है ये, क्या तमाशा, बैठ जाता हूँ, क्या है ये, क्या है सभापति जी, ऐसे मान्य सदस्य बैठिए, सभापति जी ऐसे तो बात नहीं हो पाई, मछली बाजार बना, आप बिराजे मान्य सदस्य, अगर आप भी बिराजे, आपके प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए हैं, बात कहते हैं आपके वरिष्ठ नेता खड़े हुए और आप लोग बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ना, आप तो बिराजे, सभापति महोदय आप समझ लो, संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप टोक दो, मैं बैठ जाऊंगा 1 सेकंड में, लेकिन अगर बोलने की परंपरा नहीं बोलने देना है तो आप में से एक भी बोल जाए तो मेरा नाम बदल बोले देना, आप बोले लोटा था। तेरे हो क्या? हाँ। अरे आप ब्राजी माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य आपने हमारी, आप ब्राजी मंत्री महोदय बोल रहे हैं,
या तो उनको बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए, आप बिराइए और स्थान पे बैठ के